गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपना हिंदी ग्रामर का चैप्टर 17 जिसका नाम है अंक, वो हम आज रीड करेंगे और उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अंक यानी नंबर। आज हम हिंदी में गिनती सीखेंगे। हिंदी में गिनती 1, 2, 3, 4 सभी जानते होंगे। हिंदी में उनको किस तरह से बोला जाता है, 1 को क्या बोला जाता है, जैसे 0 है, 0 को हिंदी में क्या बोला जाता है, 0 बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम 0 से लेकर 100 तक हिंदी में गिनती पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
चौरानवे पचानवे छियानवे सत्तानवे अठानवे निन्यानवे सौ। ये हमारे शून्य से लेकर सौ तक गिनती हो गई। ठीक है, अब हम इनको जो बुक एक्सरसाइज है उसमें थोड़ी गिनतियां हैं, निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखना, तो ये आपको लिखनी होगी अपनी बुक एक्सरसाइज में पेज नंबर 61 1313 लिखा हुआ है, तो इसको हिंदी में जो गिनती है उसमें क्या बोलेंगे, तेरह तेरह। ठीक है, 26 लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, 26। ट्वेंटी टू लिखा हुआ है, 22। 33 लिखा हुआ है, 33। 46 लिखा हुआ है, 46। 42 लिखा हुआ है, 42। 53 लिखा हुआ है, 53। 62 लिखा हुआ है, 62। 65 लिखा हुआ है, 65।
16 लिखा हुआ है, 16 को क्या बोल रहे हैं, 16। 1 to 12 लिखा हुआ है, 12 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 12। 21 लिखा हुआ है, इसको 21। 34 लिखा हुआ है, 34। 32 लिखा हुआ है, 32। 48 लिखा हुआ है, 48। 58 लिखा हुआ है, 58। 52, 52, 63, 63। बुक में 63 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 68, 68। ये हमें अंक दिए गए हैं, उनको शब्दों में लिखना है, तो मैंने शब्दों में लिखा है। अब आपके शब्द दिए गए हैं, ठीक है, शब्द दिए गए हैं, उनको क्या करना है, आपको अंकों में लिखना है। जो शब्द दिए गए हैं उनको अंकों में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये हमारा सेकेंड है, शब्दों को अंकों में लिखिए। पहले लिखा हुआ है 36। 36 को कैसे लिखेंगे, 36, 36। 59, 79, 89, 89, 99, 99, 99, 78, 78, 77, 77, 68, 46, 46। ये शब्दों को अंकों में लिखना था, ठीक है, और ये अंकों को शब्दों में लिखना था, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 61 पर वर्क कंप्लीट हो गया। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जो हिंदी में, जो हिंदी के अंकों में जो लिखे जाते हैं नंबर्स, है ना, वो मैं केवल आपको दस्तक लिखूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इस तरह से हिंदी में आपके अंक लिखे जाते हैं, ठीक है, हिंदी के अंक हैं। जैसे आप आगे 11, 12, 13, 14, है ना, 15, इस तरह से आप लिखते जाना है इनको। हिंदी में दिए गए हैं पेज नंबर 60 पर ये अंक, लेकिन ये अब ज़्यादा लिखने में नहीं आते, ठीक है। तो पेज नंबर आपका 59, 60, 61 तक कंप्लीट हो गया।
ठीक है, आपको ये सारे जो अंक हैं, जो सारे जो मैंने आपको गिनती बताई है, आपको ये शून्य से लेकर आपको 100 तक अपने फेयर नोटबुक में लिखने हैं और इनको लर्न करना। हैव अ नाइस डे।